जज़ाकअल्लाह अहसन जज़ा। बैठ जाइए, ये अदब के अखलाक है, मौलाना का सदारत खुतबा है। जज़ाकअल्लाह अहसन जज़ा। शिरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर हम एक जामे और मदल किताब समाज पर मान रहे थे। अल्लाह हमारे ईमान और अमल के साथ की अदा फरमाए, आमीन। अल्लाह से कबूल फरमाए, आमीन। अब मैं पूरे खलूस एहतराम के साथ सदर मौसूम मुकर्रम को से दरख्वास्त करता हूँ कि आज आप तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती इलमी सदारती किताब से उन्हें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आपकी शख्सियत शहर अज़ीस मालेगाँव के लिए महताज तारुफ नहीं है, फिर भी मैं नए नुमाइंदे को बताता चलूँ कि आप ना सिर्फ दारुल उलूम देवबंद, ना फाजिल दारुल देवबंद, बल्कि आप मैसूर यूनिवर्सिटी से एमए भी किया है। मुल्क और बैरून मुल्क में आपके इख्तलाफात होते रहते हैं, इस बात पर कि मैं उन्हें आवाज़ दूँ कि लोगों, मुसलमानों, देखो देखो नहीं बल्कि सुनो, मुस्तकबिल के तमीज़ परतों पर चीरती उन आवाज़ों को के उड़ के आपस पे जहाँ का और भी अंदाज है, मशरिक़ और मग़रिब में तेरे दौर का आगाज है। मुबल्लिग़ इस्लाम हाफिज़ कुरान जलालुद्दीन अब्बासी हफ़िज़हुल्लाह साहब, तालीम के और तदरीस के टीचिंग दो तरीके होते हैं, एक लफ्जी और एक अमली, वर्बल एंड प्रैक्टिकल। उस्ताद जब कोई मैथमेटिक्स का मसला समझाता है तो पहले ओरली जाब्ते को बयान करता है, मतलब उसे दायरा समझाना है, तो पहले ओरली बता देता है कि दायरे का रकबा बराबर पाया स्क्वायर, दायरे का अहाता बराबर टू पाया है, तो भी बता देता है कि वो पाई की कीमत 22/7, तो उसकी वैल्यू है 22/7। ये तो हुआ ओरली वर्बली। बेहतरीन मौलवी वो होता है जो ओरली किसी चीज को बयान करने के बाद उसे बोल कर समझाता है। ये बात अगर समझ में आ गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक ऊपर से एक हल्का सा तबसरा करना चाहूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि वो मैयत तबी गैर इस्लामी दीन फलयुक्बल मिन, और ये कह दिया गया कि कयामत के दिन अगर आदमी इस्लाम लेकर नहीं गया तो नाकाम है। और वो फिर आखिरत मिन अल खासिरीन, खासिर ये फाइज का उजिट है, यानी अगर इस्लाम लेकर नहीं गया है तो खसारा ही खसारा है, टूटा उठाने वालों में से हो, घाटा उठाने वालों में से। लेकिन जो इस्लाम लेकर गया है वो कामयाब होने वाला है। तो ओरली ये बता दिया गया कि इस्लाम ही कामयाबी का जामिन है। सवाल ये पैदा हुआ कि हम इस्लाम को समझे कैसे, बोलकर समझाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने बोर्ड पर हजरत इब्राहिम इस्लाम को खड़ा कर दिया। इस्लाम देखना है तो ये मेरा नबी है, ये बोर्ड है। अगर तुमको देखना है और ये उन्होंने बता दिया कि वो इस्लाम के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। अगर इस्लाम लेकर के नहीं आए तो आखिरत में कामयाबी नामुमकिन है। अब इस्लाम क्या है वो बोर्ड पर समझा दिया गया। पूरा कुरान हकीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को बोर्ड के ऊपर बताता है। ये देखो, ये हजरत इब्राहिम इस्लाम, ये हजरत इब्राहिम इस्लाम, हजरत इब्राहिम इस्लाम, हजरत इब्राहिम। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस बोर्ड के
करके क्या समझाया गया है, उनकी तमाम सिफतों में से सबसे नुमाया और आउटस्टैंडिंग जो सिफत है, जो एटीट्यूड है, वो है मुस्लिम। बार बार उनके साथ यही लफ्ज आता है, इब्राहिम से कहा अस्लिम, इस्लाम कबूल करो, कहा अस्लम को लेकर खिला रहे हैं, सलाम आ रहा है इब्राहिम, अभी तलावत की गई है, बाप बेटे दोनों तैयार हो तो उसके लिए इस्लाम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिजबीन, मा काना इब्राहिम यहूदी वला नसरानी वला किंता हनीफ मुस्लिमा। तो आप देखेंगे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के वाकयात में जहां जहां भी आपका वाकया कुरान हकीम में बयान किया गया है, वहां इस लफ्ज को कहीं इग्नोर नहीं किया गया, नजरअंदाज नहीं किया गया, ये लफ्ज बराबर आपके साथ लगा हुआ है, लफ्ज है इस्लाम। इस्लाम का क्या मतलब है पूरी जिंदगी देख लीजिए ना, अल्लाह तबारक व तआला की हर बात पर सर तस्लीम खम कर देना, ये इस्लाम है, और अगर देखना हो बोर्ड के ऊपर तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को देख लो, ये मुस्लिम है, इनका नाम सलमान, इसको मुस्लिम है। शेख खान बच्चे को वादी कर रही थी जरा छोड़ा, यस, बेटे को जमा करना है, यस, यहां माहौल सस्ता नहीं है दावत तबलीग के लिए, शेख छोड़ो, यस। तो अल्लाह तबारक व तआला की हर बात पर सर तस्लीम खम कर देना, इसी का नाम इस्लाम है। इसे और भी समझाया गया कि इसके बगैर, इस्लाम के बगैर आदमी कयामत में मैदान हशर में कामयाब नहीं होगा। अब इस्लाम को समझे कैसे, बोर्ड के ऊपर अगर समझना है तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का अल्लाह तबारक व तआला बोर्ड के ऊपर खड़ा कर दिया, ये रहा बोर्ड, देखना है कि किस तरीके से इस्लाम होता है, आपकी पूरी हयात मुबारक इस्लाम से इबारत है। अगर इस तरीके का इस्लाम लेकर आए हो तो मैदान हश्र में कामयाबी की जमानत आपको दी जाती है, वरना और कोई चीज लेकर के आए तो नाकामी और खसारे के सिवा आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं। अब देख रहे कितनी बड़ी बड़ी बातों में आजमाया गया, किसी बात पर आपने नहीं नहीं कहा और हिचके भी नहीं, तो बोला जो भी अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म आए इंसान उस पर सर तस्लीम खम कर दे, यही इस्लाम, और यही आखिरत में इंसान की कामयाबी की जमानत देता है। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह। मकसद करे दिन की सरफराजी वैसे लिए मुसलमान वैसे लिए नमाज इसीलिए नमाज। आखिर में अल्लाह से शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह